हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनु चिलवाल। सो दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो गई थी। सुबह मैं घर से हल्द्वानी आया हूँ, राधे की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो मुझे सुबह सुबह अर्जेंटली हल्द्वानी आना पड़ा। तो सुबह सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, हल्द्वानी आके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी तो ठीक है, अभी दिखाने ले जाना है, दाँत में पेन हो रखा है तो उसका दाँत दिखा के लाएंगे, उसके बाद घर आएंगे। तो वीडियो बने रहो, जो नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर कर देना। तो बने रहना मेरे साथ, मिलाता हूँ आपको सीधे राधा से। ये कैसे रहे भीड़? ठीक है रे, ज़्यादा वह रात में, कल रात ज़्यादा दर्द हो गया था तो मुझे सुबह सुबह हल्द्वानी बुला लिया इन्होंने, अपने आप दिखा के ले आते डेंटल वाले के पास। यहाँ पे देख के तो नहीं लग रहा है दांत में दर्द हो रखा करके। इनकी कैप थी ना, कैप एक बार हमने धनिया कैप पहनाई थी, वो कैप उखड़ गई ना, कैप भी निकल गई, तो उसकी वजह से थोड़ा दर्द ज्यादा हो रहा है। तो चलते हैं दिखाने के लिए। आप बताओ वही तो वही दिखा कह लागो तो कह दूध निश्वास लागो नहीं मेर क्या दाँत पीड़ा भूल पड़ से अच्छा निश्वास लागो। गर्मी इतना मस्त मौसम हो रहा है, यहाँ देखो गर्मी हो रही ठहरी। चलो चले फिर, चलते हैं दिखाने के लिए। पहाड़ों में इतना मस्त मौसम हो रहा था, यहाँ आते ही इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही मुझे तो बहुत ज़्यादा। देखो धूप आई हुई है, बादल भी लगे पड़े हैं हल्के फुल्के, देखिए बहुत तेज़ धूप हो रखी है। और यह है नैनीताल वाला पहाड़। तो अभी मैं घर से यहीं पहुँचा हूँ सीधे हल्द्वानी। तो मेरा प्लान नहीं था आने का, तो राधा का दर्द बढ़ गया था तो आना पड़ा, भाई की ड्यूटी है दिखाने तो ले जाना पड़ेगा, और तो अर्जेंट ही आना पड़ेगा। बाइक मेरी घर में ही है, मैं आया हूँ टैक्सी से, और दो चार दिन यहीं रहूँगा क्योंकि 19 और 20 को राधा का पेपर भी है, उसके बाद चलेंगे सीधे घर की ओर। ये देखो तिरंगा, भाई लोगों ने भी छत में लगा रखा है, और यहाँ पे तो हवा चल रही है बहुत तेज। और इधर हैं पीछे कद्दू के बेल, और ये देखो लोग बाग कद्दू ढूंढ रहे हैं। ये देखो हमारे यहाँ तो ऐसे ठेंगोल लगाते हैं, बड़ा लट्ठा लगा के उसमें झाड़ियाँ डाल के ऊपर खड़ा करके इनके बेल जाते हैं। यहाँ पे ऐसे खेतों में फैला रखे हैं पूरे कद्दू ही हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक, और उस वाले खेत में पीछे वाले में धान की रुपाई हो रखी है। कद्दू बड़े नहीं होते यहाँ वाले क्योंकि छोटे बेच देते हैं इन लोगों, इनको सब्जी के लिए होते हैं। हमारे वहाँ तो पीले हो जाते हैं, बड़े होते हैं फिर बाद में भी सब्जी बनाते हैं हम उनको, 6-7 महीने के बाद भी। ये हम आ गए हैं डेंटल पे, अब राधा का दांत सही करवाएंगे। पीड़ होने आई दर्द हो रहा है, और आज हम बना रहे हैं सूजी। सूजी के लिए हमें चाहिए घी, सूजी, ड्राई फ्रूट, चीनी और गर्म पानी। गर्म पानी रख देते हैं हफ्ते पहले। थोड़ी देर जब तक हम सूजी को फ्राई करते हैं, घी डालेंगे इसमें। है राधा, बनाए फिर खाना है? हो गया, हम नहीं देंगे तेरे को। सूजी बनाई जा रही है आज, इसमें डालते हैं 2 चम्मच घी पहले। ये घर से आया हुआ है घी, ये डाल दिया हमने घी, इसमें डालेंगे अब सूजी।
अभी नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं गरम। गरम होने देंगे ना तब डालेंगे, ऐसे थोड़ा डाल देते हैं। इसकी भी तो कुछ रेसिपी है, सिस्टम है इसका भी तो। अच्छा हाँ, फिर उल्टा फुल्टा खाना बना देते हैं, होने देते हैं इसको 5 मिनट तक। तो हम चिमनी कर देते हैं ऑन। करेंगे और इसमें डालेंगे हम सूजी। सूजी है हमारा कितना, इसको थोड़ी ये होने लग गया ब्राउन, देखिए। अब इसको हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, थोड़ी देर और भूनेंगे इसको। उसके बाद इसमें डालेंगे चीनी टेस्ट अनुसार, फिर डालेंगे इसमें हम पानी, गर्म पानी। हल्का होने लगे ना, इसका कलर चेंज हो गया है। ये हो गया ना ब्राउन, इसको हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट थोड़ी देर। उसके बाद इसमें डालेंगे हम चीनी, के लिए मुझे देना, मैं बताऊंगी। तो लास्ट में सभी खाएंगे इसको, क्या स्वाद चखना होगा। नहीं नहीं, तो बुरबुर बन। सूखा प्रसाद हो गया, सूखा प्रसाद। तो इसमें डालूंगे हम पानी, पानी तो है। हमने घोल दिया है इसमें, वो अच्छा वो चलाओ, चला दियो। ये होने लग गया देखो, अब इसका पूरा पानी सुखाएंगे। ये हो गया हमारा सूजी का हलवा तैयार। पसीना भी आ गया इसको बनाते हैं, कम से कम आधा पसीना पसीना हो गया, आधा घंटा होता है।